जब तक सरसों की आवकें नहीं आ जाती हैं, तब तक किसी भी तेल तिलहन में ना ही ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी और ना ही ज्यादा मंदी। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल $90 का स्तर छू चुका है। इसका सपोर्ट पाम ऑयल को, पाम ऑयल का सपोर्ट रिफाइंड को और रिफाइंड का सपोर्ट सोयाबीन को मिलता है। जब सरसों की नई आवकें आने वाली होती हैं, तब सोयाबीन की कीमतें धड़ाम हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और कीमतें भी ऊंची हैं, जिससे घरेलू सोयाबीन को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक पोल्ट्री से सोयाबीन की डिमांड में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। मंडियों में सोयाबीन की सप्लाई उम्मीद से काफी कम देखने को मिल रही है। सरसों की कटाई के बाद सोयाबीन की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सरसों के बंपर उत्पादन के अनुमान के बावजूद सोयाबीन की कीमतें ज्यादा नीचे नहीं गई हैं। बाजार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस बार बाजार उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और कीमतें भी ऊंची हैं, जिसका फायदा घरेलू सोयाबीन की कीमतों को मिल रहा है। अजय केडिया के मुताबिक जब तक तेल के भाव में गिरावट नहीं आती है, तब तक सोयाबीन में तेजी रहेगी। जब तक सरसों की नई आवकें पूरी नहीं आ जाती हैं, तब तक सोयाबीन की कीमतें एक सीमित दायरे में रहेंगी, जो कि अभी 5800 से नीचे नहीं और 6600 के ऊपर जाते नहीं दिखाई देती हैं। सरसों की आवकें आने के बाद ही सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मार्च में सोयाबीन में 7000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।